الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون बड़ी करीम खुदा की ज़ात है, बड़ी करीम खुदा की ज़ात है, वही करता पैदा दिन से रात है, वही करता पैदा दिन से रात है। जब बंदों को बख्शने पे आए, जब बंदों को बख्शने पे आए तो देता उनको शबे बरात है। करनी थी मगफिरत बहाने रख दिए, करनी थी मगफिरत बहाने रख दिए, साल भर में कुछ अवकात सुहाने रख दिए, साल भर में कुछ अवकात सुहाने रख दिए। बुजुर्गाने मोहतरम, आज 15वीं शाबान है, जिसको रिवायत में निसफ शाबान से ताबीर किया गया और हम अपनी आम बोलचाल में उसे शबे बरात और शुबरात कहते हैं। इस रात को मानने और न मानने के एतबार से दो ग्रुप और दो जमात है। कुछ लोग इस रात की फजीलत के कायल है और कुछ लोग इस रात की फजीलत का इनकार करते हैं। जो लोग फजीलत के कायल है तो वो क्यों कायल है उसे समझना है, और जो कायल नहीं है तो उन्होंने किस बात को नहीं समझा वो भी समझना है। लेकिन उससे पहले फकीहुल उम्मत हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही नव्वर अल्लाहु मरकदहु का एक मलफूज आपकी खिदमत में पेश करना है, जिसका खुलासा यह है कि दो चीजें हैं, एक है कम फहमी और दूसरी है कज फहमी। क्या है? एक है कम फहमी और दूसरी चीज है कज फहमी। कम फहमी का मतलब यह है कि बात को पूरे पूरा उसने समझा नहीं है जिस तरह समझना चाहिए, तो अब उसको समझाया जाएगा तो चूंकि बात उसने अधूरी समझी थी या जिस तरह समझनी चाहिए थी नहीं समझी थी, पूरे पूरी बात अगर उसे कोई समझा देगा तो वो समझ लेगा।
कौन समझेगा? कम फहम समझेगा, कज फहम नहीं समझेगा। तो उसकी मालूमात अधूरी थी, उसका नॉलेज ये अधूरा था, उसको बात समझा दी और उसे समझना भी था तो वो समझ जाता है। और एक फहम होती है कच फहम, कि टेढ़ी समझ। तू जितना भी उसे के वो तेरी नहीं समझेगा, वो टेढ़ी समझ। वो कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तो जो लोग कच फहम होते हैं मामला ऐसा ही होता है कि उनको जितना समझाओ उतना उल्टा ही समझते, चूंकि समझना है नहीं। समझना होता तो वो समझ जाता, अब जितना समझाओ वो उल्टा ही समझता जाता है, चूंकि वो कम फहम नहीं है, वो कच फहम है। फकीहुल उम्मत ने फिर उसकी मिसाल दी, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी नवरल्लाहु मरकदहू की खिदमत में कुछ लोग आए, पांच छह लोग थे। और देखिए लोग किस किस मकसद के से बुजुर्गों के पास जाते हैं, और लोग किस किस मकसद से खतीबुल उम्मत हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्लेवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बुजुर्गों को घर ले जाते हैं। हजरत ने फरमाया कि एक साहिब मुझे कई दिनों से घर आने की दावत दे रहे थे, तो कुछ मजबूरी थी। हजरत ने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, अगर आपको दावत ही करनी है तो घर से खाना बना कर ले आए, मैं खा दूंगा अपने यहां, आपकी दावत कबूल है अगर आप इसरार कर रहे हैं। तो कहने लगे कि हजरत दावत तो देनी है, लेकिन बात यह है कि तुम्हारा मुबारक पगला पड़ है तो घर में लक्ष्मी भाई वधर आ है, कि तुम्हारा मुबारक पगला आएंगे के पड़ से तो पैसा में बरकत बहुत है। तो अब देखिए घर ले जा रहे हैं, तो इस तरह के लोग भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हजरत, कि कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई बुजुर्गों को घर ले जाए तो ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अपनी जो मोहब्बत दी है, हुजूर से जो ताल्लुक दिया है, दीन से जो लगाव दिया है, तो उनके कदम मुबारक घर में आएंगे तो घर में दीनदारी बढ़ेगी। तो इसी किस्म के कुछ लोग हजरत थानवी के पास आए। हजरत थानवी ने पूछा कि भाई क्यों आए हो? तो कहने लगे कि हजरत सट्टे का नंबर मालूम करने आया। माशाल्लाह, क्या कहेंगे हैं? क्या कहा कि सट्टे का नंबर मालूम करने आए हैं, यानी जुआ गैम्बलिंग, तो वो हम आपसे मालूम करने आए हैं। तो हजरत ने फरमाया निकालो 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 इसे। कितनी मर्तबा कहा, गिनो फिर, निकालो 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 इन्हें। कहा पांच दफा, एक फ्री कर दिया है, चार दफा जो है हुआ। तो भाई जवाब से पहले कुछ विचार भी कर लिया करो। तो बहरहाल चार मर्तबा हजरत ने ये कहा कि भाई निकालो इन्हें यहां से, तो वो तो खुश हो गए। ये है कच फहम, कच फहम में खुश हो गए कि अपना तो काम बन गया। अब हजरत भी सोच रहे हैं कि मैं इनको खानकाह से निकालने की बात कर रहा हूं कि निकालो इनको कमबख्तों को यहां से, और ये खुशी खुशी जा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि हमारा काम बन गया। तो हजरत ने सुना फिर उनको जाते हुए कि क्या कहते जा रहे, तो कहने लगे कि चलो चलो अब अपना काम भी नहीं है। हजरत ने बतला दिया कि नंबर चार लगाना है, चूंकि चार मरतबा हजरत ने फरमाया निकालो 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 निकालो, तो इन्होंने ये समझा कि सत्य का नंबर निकालो है,
और चार मर्तबा निकालो बोला है, तो चार मर्तबा जो है वो चार नंबर हमें निकालना है। और हजरत की मुराद ये थी कि कम वक्तों को खानका से निकालो, तो ये क्या है? कछफा। बहरहाल तो मुझे भी जो बात आपकी खिदमत में रखनी है, तो जिसको पूरी बात मालूम नहीं है तो वो बात सुनेगा तो समझ जाएगा, और दूसरी किस्मतों में नहीं कहूंगा कि आप में से कोई ऐसा हो, इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं हो। अब सुनो, रिवायत की सनद के एतबार से तीन किस्में, रिवायत की सनद के एतबार से नहीं, दर्जे के एतबार से, सनद नहीं, रिवायत की दर्जे और मर्तबे के एतबार से तीन किस्में। नंबर एक, सही हदीस की जो आला दर्जे की, तो वो क्या होती है? सही हदीस होती है कि जो आला दर्जे की। नंबर दो, हसन, दर्जे हसन, तो वो मुतवसित दर्जा, दरमियानी दर्जे की हदीस वो कहलाती है, कि सही का जो मकाम है वहां तक वो नहीं पहुंचती और दरमियान में है, नीचे उसके जो मकाम है वहां तक भी नहीं पहुंचती। नीचे जो है तीसरा दर्जा मर्तबे के एतबार से वो है ज़ईफ, कि जो अदना दर्जे की हदीस, तो एक आला कैटेगरी की हदीस, एक दरमियानी कैटेगरी की हदीस और तीसरी अदना दर्जे की हदीस। बचपन में हमने मकतब में पढ़ा या बाद में फिर दारुलूम में भी पढ़ा, तो आपने देखा होगा कि इम्तिहान का जो पर्चा होता था और मुमतहिन इम्तिहान लेने वाला जो इम्तिहान लेता था और बच्चों के को वो नंबर देता था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि शुरू ही में वो जो पर्चा मुमतहिन को दिया जाता है वहां लिखा होता था कि आला दर्जे के नंबर आए, तो आम तौर पर वो होते थे 46 से 50, वो आला दर्जा। हाँ, किसी को 51 भी मिलते थे, 51। तो ये मुमतहिन तालिब इल्म से खुश होकर उसको इजाफी नंबर देता है कि आला तो है ही लेकिन ये उससे आला। फकीहुल आसर सैयदुस सादात हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी नवरल्लाहु मरकदहू का जब इंतकाल हुआ, रमजानुल मुबारक में हजरत का इंतकाल हुआ था, तो हजरत की सवानेह तैयार करनी थी। एक तो यहाँ यूके बरतानिया ही में हो रही थी और तकरीबन हो गई थी हजरत की हयातनी में, एक दूसरी सवानेह तैयार करने का इरादा था और मेरे जिम्मे ये काम सुपुर्द किया गया कि मैं जामिया हुसैनिया रांदेर के कुतुब खाने में जाऊं और कुतुब खाने के अंदर वो पुरानी फाइलें रखी हुई थी जिसमें बच्चे इम्तिहान में जो कामयाब हुए थे उनके नंबरात थे, हजरत पर्चे थे, वो रखे हुए थे कुतुब खाने के अंदर। तो मैंने दौरे हदीस जामिया हुसैनिया में पढ़ा था, इसलिए मेरा इंतखाब हुआ कि तू वहां पढ़ा है तो तू जा, तो हासिल करना आसान होगा। तो मैं गया रांदेर और तलाश करके ढूंढ ढांढ करके, हमने हजरत की उम्र आप देखे 100 साल के करीब हुई है, अब कितनी पुरानी फाइलें वो जमा कर रखी थी वहां, अल्हम्दुलिल्लाह वो हजरत ने जो इम्तिहान दिया था, मुमतहिन ने जो नंबरात दिए थे वो हमें मिल गए वो पर्चे, और मैं उसको लेकर आया तो एक किताब में मैंने नंबरात देखे। हजरत मौलाना तो मैं हैरान हो गया कि मुमतहिन ने हजरत को 53 नंबर दिए थे। आम तौर पे इजाफी नंबर जो दिया जाता है तो ये उलमा बैठे हैं इनको मालूम है कि एक ज्यादा आदमी देता है, 51 जो है वो देता है, बहुत बहुत तो 52,
लेकिन ये एक किताब में 53 नंबर जो है हजरत को मिले थे। बहरहाल मुझे समझाना ये है कि हदीस का, हदीस की तीन किस्में, दर्जे और मर्तबे के एतबार से तो ये ऐसा ही है जैसे हमने इम्तिहान दिया बचपन में तो पर्चे पे लिखा कि आला नंबर से जो पास होगा तो 46 से 50 और मुतवस्सित दर्जा तो वो क्या, दरमियानी दर्जा, औसत दर्जा के 41 से 45 और तीसरे नंबर पे अदना दर्जा के 36 से 40। तो ये अदना दर्जा जो है वो होता था, उससे नीचे फिर नापास। इसी तरह हदीस में भी आला दर्जे की हदीस मर्तबे के एतबार से, दरमियानी दर्जे की हदीस और तीसरी अदना दर्जे की हदीस और उसके नीचे मौजू हदीस के जो नापास। मुहद्दिसीन ने मेहनत करके क्या कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, उम्मत को बतला दिया कि ये मनगढ़ंत हदीसें हैं, इस पे ना ईमान लाना है, इस पे ना अमल करना है और ना इसे बयान करना है। हाँ, लोगों को बताने के लिए कि ये मौजू है बयान किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशर। तो इसी तरह मौजू रिवायत लोगों को आगाह करना है, बताना है, इसलिए बयान किया जाए तो उसकी इजाजत है। अब ये जो 15वीं शाबान की जितनी रिवायात आई हैं, जितनी अहादीस हैं, तो उलमा ये कहते हैं कि ज्यादातर रिवायतें क्या है, वो ज़ईफ है। तो वो ज़ईफ है इसलिए कुछ लोग उसका इनकार करते हैं कि भाई इसके अंदर जो रिवायात आई है वो ज़ईफ है, इसलिए वो 15वीं शाबान की फजीलत को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, कि भाई ज़ईफ है। हजरत थानवी के पास एक आदमी आया, कुछ बड़ी उम्र का था, आकर हुज्जत करने लगा कि हजरत फला रिवायत जो है वो ज़ईफ है। हजरत ने फरमाया तू कौन सा कवि है, तो है तू कौन सा कवि है, ये इल्जामी जवाब होता है, है? बाद मरतबा वो इल्जामी जवाब देना पड़ता है, तहकीकी जवाब नहीं था। तो कि तू कौन सा कवि है, फिर समझाया जो बात समझानी थी। हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह साउथ अफ्रीका पहुंचे, मलफूजात फकीहुल उम्मत में ये जो बात मैं जिक्र कर रहा हूं अगर आप पढ़े आपको मिल जाएगी, उसमें है। मफहूम यह है कि एक आदमी हजरत के बयान के बाद हजरत के पास आया और कहने लगा कि तुम हनफीउल मसलक हो, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पे अमल करते हो। तो हजरत इमाम अबू हनीफा को तो सिर्फ 17 हदीसें याद थी, वो तो बहुत ज़ईफ थे और बहुत ज़ईफ है। तो हजरत ने फरमाया कि तुझे कौन सी कुश्ती करनी है उनसे, नहीं समझे, हाँ ये इल्ज़ामी जवाब कि तुझे कौन सी उससे कुश्ती करनी है। और बड़े तो बड़े होते हैं, हजरत तो बड़े हाजिर जवाब थे, जिस चीज को उसने कमतर बतलाना चाहा, हजरत का मर्तबा और दर्जा घटाना चाहा, हजरत ने उसी की बात को पकड़ लिया और इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम साबित कर दिया। कैसे, फरमाया कि बकौल तेरे कि हजरत उल इमाम को सिर्फ 17 हदीसें याद थी और हजरत ने जो उलूम छोड़े उम्मत के लिए, अल्लाहु अकबर, हैं के ढेर के ढेर जो है वो मसाइल के जमा कर दिए, लगा दिए। तो फरमाया कि 17 हदीसें सिर्फ याद थी, उसमें उलूम का ये जखीरा छोड़ा, अगर ज्यादा याद होती तो क्या होता। बहरहाल ये चीज हमें समझने की है, खास तौर से इस मुल्क में ज़ईफ ज़ईफ ज़ईफ। और आजकल तो किसी बात को मानना ना हो तो उस पर ठप्पा लगा दो, मोहर लगा दो कि क्या है, रिवायत ज़ईफ है, रिवायत ज़ईफ है। ये चलन बहुत आम हो रहा है और जो बड़े बूढ़े हैं वो तो माशाल्लाह अभी भी जमे हुए हैं, लेकिन हमारी नई नस्ल
न्यू जनरेशन इनकी बात में आ जाती है और ज़ईफ 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 करके वो इनके दिमाग को भी इनके अकीदे को भी वो ज़ईफ कर देते हैं, अमल को भी जो है वो ज़ईफ कर देते हैं। तो वो समझने की चीज़ है, इसलिए मैंने जानबूझकर ये मसला छेड़ा है। दो चीजें हैं, एक है अहकाम और दूसरी चीज है फजाइल। एक है अहकाम और दूसरी चीज है फजाइल, या आप कह लीजिए एक है अकाइद और दूसरी चीज है फजाइल। तमाम ही फुकहा तकरीबन और तमाम मुहद्दिसीन इस बात को तस्लीम करते हैं और मानते हैं कि अहकाम के अंदर तो हदीस आला दर्जे की होनी चाहिए या कम से कम दर्जे हसन की हो, कम से कम किसमें, अकाइद में, अहकाम में। लेकिन फजाइल में, आदाब में, अखलाक में, जोहद में, ये सब तकरीबन एक चीज है। तो इसके अंदर अगर रिवायत सनद के एतबार से ज़ईफ और कमजोर भी है तो सारे फुकहा ये कहते हैं तकरीबन और तमाम मुहद्दिसीन के वो काबिल एतबार है, वो काबिल इस्तिदलाल है। एक बात और समझो, ये किताब रखी है क्या नाम है, हम तालीम में पढ़ते हैं फजाइल आमाल, नाम पे गौर करो। कुछ लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि भाई ये दावत व तबलीग में जो अहबाब निकलते हैं और वो जो किताब खुद पढ़ते हैं, तालीम करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो इसके अंदर तो जो अहादीस का जखीरा है ज्यादातर वो क्या है, ज़ईफ है सनद के एतबार से। तो उनको इल्जामी जवाब यह है कि हमने कब कहा कि कवि है, इसका तो नाम ही है फजाइल आमाल। तो भाई जरा नाम ही पे पहले गौर कर लेते तुम, हमने कहा कि भाई ये अहकाम के मुतालिक किताब है, ये तो किसके मुतालिक है, फजाइल के मुतालिक है। और फजाइल के अंदर सनद के एतबार से जो रिवायत ज़ईफ हो, कमजोर हो, वो काबिल एतबार और काबिल इस्तिदलाल है। और हजरत ने इस पे जो काम किया, अब गौर से देखना, शायद आज तक आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा होगा। एक तो उसका उर्दू तर्जमा है, ट्रांसलेट है, उसमें हजरत ने कहीं कहीं लिख दिया है कि ये रिवायत ज़ईफ है, लेकिन जहां हदीस पाक को जिक्र किया और अरबी इबारत जहां जिक्र की गई है तो वहां अखीर में आप देख लेना कि वो खुलासा कर दिया, ये उलमा क्या काम की चीज है, उसमें बता दिया है कि ये रिवायत कैसी है सनद के एतबार से और उसका क्या हुक्म है, वो लिखा हुआ है। तो भाई अंधेरे में थोड़ी रखा है, ये अवाम का काम थोड़ी है कि ये सारी चीजें उर्दू के अंदर भी लिख दी जाती, अवाम के क्या पल्ले पड़ता, ये उलमा के काम की है। और दूसरा, आपको नाम देख के समझना चाहिए कि ये किताब तो फजाइल के अंदर है और फजाइल के अंदर सारे ही फुकहा और तकरीबन सारे ही मुहद्दिसीन, मैंने आपको कहा कि भाई वो ज़ईफ रिवायत उनके यहाँ काबिल एतबार काबिल इस्तिदलाल है। मैं आपको तीन मुहद्दिसीन की मिसालें देता हूं। बच्चा जब आलिम बनने जाता है दारुल उलूम के अंदर, जामिया के अंदर, तो जो आखिरी दर्जा होता है उसका नाम है दौरे हदीस। तो दौरे हदीस के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं हदीस की, उनमें तीन किताब, एक बुखारी शरीफ, दूसरी अबू दाऊद शरीफ और तीसरी तिर्मिजी शरीफ। ये तीनों मुहद्दिस हैं, बड़े आलिम हैं। जो बात जिक्र करना चाहता हूं उससे पहले छोटी सी बात और समझे, हदीस कभी ज़ईफ नहीं होती, हदीस कभी ज़ईफ नहीं होती, यानी जो उसका मफहूम है, जो मीनिंग है, हुजूर का जो इरशाद है वो ज़ईफ नहीं होता, वो तो कवी से कवीतर है। लेकिन
हुजूर से किसने लिया, उनसे किसने लिया, उनसे किसने लिया, ये जो सनद का सिलसिला चलता है, तो उसके अंदर जो रावी होता है तो कुछ उसूल मुतायन किए हैं, तय किए हैं, उस पर अगर वो रावी पूरे पूरा नहीं उतरता, कुछ इधर उधर है, तो फिर उसकी रिवायत में क्या पैदा हो जाता है, ज़ौफ पैदा हो जाता है, कमजोरी पैदा हो जाती है। इसलिए याद रखो, हदीस कभी ज़ईफ़ नहीं होती। हुजूर का इरशाद कैसे ज़ईफ़ हो सकता है, हैं? वो तो रावी उसके अंदर ज़ईफ़ आ गया, कमजोर आ गया, इसलिए रिवायत के अंदर क्या पैदा हो गया, वो ज़ौफ़ पैदा हो गया। तो ज़ौफ़ रावी की वजह से पैदा हुआ है। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत, एक और शोर आप दुनिया भर में सुनेंगे, एक तो ज़ईफ 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 ज़ईफ, और दूसरा के बुखारी से दिखाओ, फला अमल तो के बुखारी में कहां है, फला अमल तो के बुखारी में कहां है। अरे भाई, जरा तो इमाम बुखारी की सवानी हयात भी पढ़ लेता, खाली तूने बुखारी शरीफ ही पढ़ी, कम से कम उनके हालात भी पढ़ लेता के हजरत की ज़हनियत कैसी थी। हजरत ने जो बुखारी शरीफ लिखी है, मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने, तो बुखारी शरीफ के लिए तो उन्होंने कुछ उसूल मुतायन कर दिए कि ऐसा ऐसा होगा तभी मैं वो रिवायत लूंगा, वरना नहीं लूंगा। वो खाली बुखारी शरीफ के लिए है, वरना तुम ये इल्ज़ाम देते हो कि इमाम बुखारी ने ज़ईफ़ रिवायतों को नहीं लिया, या ये कि इमाम बुखारी वो कायल नहीं थे कि ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल के अंदर, आदाब के अंदर, अखलाक के अंदर, ज़ोहद के अंदर काबिल एतबार और काबिल इस्तिदलाल नहीं है। तो हम आपको उसका जवाब देते हैं आज। इमाम बुखारी ने सिर्फ एक किताब नहीं लिखी, कई किताबें हजरत ने तस्नीफ फरमाई हैं, लिखी हैं। उनमें बुखारी शरीफ मशहूर हो गई, मशहूर है वो। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे उनकी तस्नीफ मशहूर है, उसका नाम है अल अदबुल मुफरद। उस किताब का नाम है अल अदबुल मुफरद, और अल्हम्दुलिल्लाह वो किताब मेरे पास है, मैंने पढ़ी है, इसलिए ये बात आपको कह रहा हूं। तो उनकी तस्नीफ करदा दूसरी किताब है अल अदबुल मुफरद। चूंकि वो किताब हजरत ने आदाब, अखलाक, फजाइल, तवाजु, ज़ोहद इसके ताल्लुक से लिखी है, तो इसमें हजरत ने ज़ईफ रिवायत 1, 2, 3, 10, 20, 50 नहीं, 200 रिवायतें ऐसी है अल अदबुल मुफरद के अंदर के जो ज़ईफ है। दर्जे के एतबार से कौन से दर्जे की, अदना दर्जे की है वो, और 1, 2, 3, 4 नहीं, 200 हदीसें ऐसी है उसमें। लेकिन हजरतुल इमाम ने उसको नकल किया, उसको कबूल किया। क्यों? वो भी इस बात को मानते थे दूसरे मुहद्दिसीन की तरह कि भाई फजाइल के अंदर ज़ईफ रिवायत काबिल एतबार और काबिल इस्तिदलाल। एक तो ये बात, दूसरी बात, बुखारी शरीफ में भी उन्होंने बाज वो रावी के जिन पर ये बात चस्पा है कि वो ज़ईफ है, मैंने कहा ना कि रिवायत ज़ईफ नहीं होती, रावी वो ज़ईफ होता है, उसकी वजह से रिवायत में ज़ौफ़ आता है। तो आप जाकर देख लेना अगर बुखारी शरीफ है तो, या जानने वाले से पूछ लेना। तो इमाम बुखारी ने अपनी किताब में, बुखारी शरीफ में, बाज वो रावी के जिन पर ज़ौफ चस्पा किया गया कि भाई ये ज़ईफ़ है, उनकी रिवायत उन्होंने ली। मैं तीन मिसालें देता हूं आप। किताब उज़्ज़ुहद में इमाम बुखारी एक रिवायत लाया, कुन फिद दुनिया का अन्नक गरीब औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। उसमें एक रावी आया है जिसका नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, वो ज़ईफ है। तो मैंने अभी आपको बताई थी बात कि हदीस ज़ईफ
नहीं होती। कौन ज़ईफ होता है? रावी ज़ईफ होता है, उसकी वजह से उसमें ज़ौफ़ पैदा हो जाता है। ये रावी मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ज़ईफ है। कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब, इमाम बुखारी ने फिर भी बुखारी शरीफ में उसको जगह दी। दूसरी रिवायत, हल तुन सरून वतुर जकून इल्ला बिज़ुआफाइकुम औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि तुम्हारी मफहूम है जो मदद करता है अल्लाह ताला, मदद की जाती है, तुम्हें जो रिस्क दिया जाता है उसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। ये अल्लाह ताला जो तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें जो रोजी देता है, वो इसलिए कि तुम ज़ुआफा का ख्याल करते हो तो ज़ईफ़ों की बरकत की वजह से तुम्हें रोजी मिलती है। इसलिए ये मत समझो कि हम गरीबों को दे रहे हैं, कमजोरों को दे रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं। रिवायत तो ये बता रही है कि तुम्हें और मुझे जो रोजी मिल रही है ये इसलिए मिल रही है कि हम गरीबों का ख्याल रख रहे हैं, तो वो हमारे मोहसिन हुए। ये हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारी मदद इसलिए की जाती है, तुम्हें रोजी इसलिए दी जाती है कि तुम कमजोरों का ख्याल करते हो, तुम ज़ईफ़ों का ख्याल करते हो। और देखिए अल्लाह ताला को तो ज़ईफ़ों पर रहम आता है, इसलिए आपने नहीं देखा इंडिया के अंदर बचपन में ऐसा होता था, मैंने भी देखा आप में से भी कई लोगों ने, कि मौसम बारह में जब बारिश नहीं होता था तो गांव के अंदर छोटी छोटी लड़कियां रात में निकलती थी हैं हजरत मौलाना, और वो कुछ अल्फाज भी बोलते थे, आवरे वरसाद ढेवरियो वरसाद ऊनी ऊनी रोटली ने कारेला नु शाक है, हाँ बोलता होता के आवरे वरसाद ढेवरियो वरसाद ऊनी ऊनी रोटली ने कारेला नु शाक, आजे होते तो कहते के ऊना ऊना पिज्जा ने तो बहरहाल बर्गर और पिज्जा कहना पड़ता आज होता था। तो किसको भेजते थे? छोटी छोटी लड़कियों को भेजते, है ना, मोहल्ले के बुजुर्ग और बड़े छोटी छोटी लड़कियों को भेजते थे कि जो नाबालिग होती है, कि उन पे कोई गुनाह नहीं है, वो नाबालिग है, वो मासूम है, और उनकी मदद करेंगे तुम तो तुमने गरीबों का ख्याल रखा, तुमने कमजोरों का कि वो कमजोर है छोटी है ख्याल रखा, अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल रखेगा। दूसरी मिसाल लेंगे, एक नमाज है सलातुल इस्तिस्का, कि जब बारिश न होता हो तो फिर चले जाना है मैदान में, और मैदान के अंदर औरतों को भी ले जाना है, बूढ़ों को भी ले जाना है, और सिर्फ इतना ही नहीं जानवरों को भी ले जाना है ना, जानवरों को भी ले जाना है साथ में मैदान में। तो देखिए बूढ़ों को ले गए, बूढ़ों को ले जाओ, औरतों को ले जाओ, कमजोरों को ले जाओ, जानवरों को ले जाओ, ताकि उनको देखकर अल्लाह ताला की रहमत क्या होगी, मुतवज्जे होगी। हाँ इसलिए याद रखो, दिमाग में ये बात मत बिठाओ कि अल्लाह ने हमें नवाजा है, मौला दौलत दिया है, हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम हस्पताल की, हम का जो है वो यतीम खाने की, मदारिस की, मकातिब की, नहीं, उनकी वजह से हमें रोजी मिल रही है, हैं, और कमज़ोरों की वजह से हम पर क्या हो रहा है, अल्लाह का करम जो है ये मुतवज्जे हो रहा है। खैर तो मुझे बताना ये था कि उसमें एक रावी आया तो ऊपर तो जो रावी आया था वो क्या था, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के जो ज़ईफ़ है, और इस रिवायत में एक रावी आया है उसका नाम है मोहम्मद बिन तलहा, ये भी ज़ईफ़ है, लेकिन इमाम बुखारी उसकी रिवायत को जगह दे रहे हैं। मुझे बताना ये है बुखारी 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 में बताओ, बुखारी में बताओ ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है ज़ईफ़ है, तो उनसे कहो कि इमाम बुखारी खुद किताब लिखी, उसमें 200 से ज़ायद हदीसें ज़ईफ़ नकल की है, और अपनी किताब बुखारी शरीफ के अंदर ज़ईफ़ रावी की रिवायत को जगह दी। तीसरी रिवायत बुखारी शरीफ के, मन आज़ानी वलियन फ़कत आज़ंतुहु बिलहर्ब औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम, के जो मेरे नेक बंदों के साथ झगड़ता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरा उनके साथ क्या है, ऐलान जंग है। इसके अंदर जो रावी आया है खालिद बिन मुखल्लद
तो ये ज़ईफ है। नंबर दो, तिर्मिज़ी शरीफ की तरफ आ जाइए। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर इमाम तिर्मिज़ी तो खुद ये बात लिखते हैं, जगह जगह लिखते हैं। इमाम तिर्मिज़ी ने ये बात लिखी है, मफहूम ये है कि मेरी इस किताब के अंदर, इस सुनन में तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर जितनी भी रिवायात है उनमें सिवाय दो रिवायत के कोई रिवायत ऐसी नहीं है कि जिस पर उलमा का और बड़े उलमा का अमल ना हो, बड़े उलमा का अमल ना रहा हो। ये खुद लिखते हैं इमाम तिर्मिज़ी, और एक जगह नहीं कई जगह लिखते हैं। और एक बात ये भी उन्होंने क्लियर कट लिख दी कि मेरी पूरी तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर सिर्फ दो हदीस ऐसी हैं, उसको छोड़कर जितनी भी रिवायात हैं उन पर बड़े उलमा का अमल रहा है। वो दो रिवायत कौन सी वो सुन ले। एक रिवायत आपको काम देगी कि जो बाज़ लोग बयान करते हैं, हाँ ये रिवायत है, ये हदीस है तिर्मिज़ी शरीफ में। मफहूम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़्र और बगैर सफर के जमा बैन सलातैन की, यह है रिवायत कि हुजूर मुसाफिर भी नहीं थे, हुजूर को कोई उज़्र भी नहीं था, उसके बावजूद आका ने दो नमाजें क्या कर ली, एक वक्त में जमा कर ली। ये जमा सुवरी का बयान नहीं है, जमा बैन सलातैन, हाँ ये जमा बैन सलातैन है, ये हुजूर ने। लेकिन इमाम तिर्मिज़ी ने लिख दिया कि भाई ये अमल में नहीं है, एक ये रिवायत उलमा के। तो इसलिए बाज़ लोग ये कहते थे कि देखो तिर्मिज़ी शरीफ में है, लेकिन आपको ये बात नहीं बताएंगे कि इमाम तिर्मिज़ी ने ये भी लिखा है कि ये उलमा के अमल में नहीं है, ये नहीं बताएंगे। अब आदमी चक्कर खा जाता है कि यार तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत आई है कि हुजूर को कोई उज़्र भी नहीं था, हुजूर मुसाफिर भी नहीं थे, तो बगैर मुसाफिरत के बगैर उज़्र के हुजूर ने एक वक्त में क्या कर लिया, दो नमाजें जो हैं वो जमा कर ली, लेकिन वो अगली बात नहीं बताएंगे, तो आदमी चक्कर खा जाता है। दूसरी हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी पकड़ा गया शराब पीते हुए, पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, चौथी मर्तबा जब वो पकड़ा गया शराब पीते हुए तो हुजूर ने ये फरमाया कि इसे ले जाओ और कत्ल कर। चौथी मर्तबा शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो क्या कहा, इसे जाके कत्ल कर दो। लेकिन इमाम तिर्मिज़ी अलैहि रहमा ने तहरीर फरमाया कि ये भी अमल में नहीं है। अब सैकड़ों तिर्मिज़ी शरीफ में तो आपको बहुत सी मिसालें मिलेगी कि जो रिवायत ज़ईफ़ है, और इमाम बुखारी इमाम तिर्मिज़ी उनका तो अंदाज निराला और प्यारा है, खुद लिख देते हैं कि हादा हदीसुन, जो भी है उन्होंने हसन उन या सही उन जो भी है वो खुद जो है वो लिखते चले जाते हैं। और हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेगी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि इमाम तिर्मिज़ी का ये अंदाज मुझे बहुत भाता है। हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेगी रहमतुल्लाह अलैह को कि हादा हदीस उन हसन उन सही उन, फरमाया कि ये हसन उन सही उन दो दो क्यों लिखा, कि हसन उन भी सही उन भी, फरमाया ये खट्टी मिट्टी गोली तो है कि बचपन में एक गोली हम खाते थे, कैसी खट्टी मिट्टी होती थी ना गोली, हाँ तो वो खाते थे। तो आप खट्टी खाओ तो सिर्फ खटास, मीठी खाओ तो सिर्फ मिठास, लेकिन आपको टू इन वन दोनों का मजा, टू इन वन तो नहीं कहेंगे लेकिन बहरहाल दोनों का आपको मजा लेना है तो क्या करना पड़ेगा, खट्टी मीठी जो है आप गोली खाएंगे तो उसका मजा ही कुछ और होगा। तो हजरत फरमाते थे कि जब मैं पढ़ता हूँ तिर्मिज़ी शरीफ और इस जुमले पे पहुंचता हूँ तो मुझे तो बहुत लुत्फ आता है। तो बहरहाल सैकड़ों मिसालें आपको मिलेगी कि वो खुद कह रहे हैं कि रिवायत ज़ईफ़ है। तो भाई अब उनको कहो कि ये ज़ईफ़ रिवायत उसमें भी, लेकिन क्यों, कि भाई फ़ज़ाइल में काबिल एतबार है, फ़ज़ाइल के अंदर काबिल एतमाद है। क्योंकि वक्त हो रहा है और भी कुछ बातें बयान करनी है, मैं तो इमाम अबू दाऊद का भी बतलाने वाला था आपको, लेकिन आज बस इतने ही पे इक्तफा करते हैं। दो तीन मिसालें आपको तिर्मिज़ी शरीफ से दे दूँ कि जिसमें खुद हजरतुल इमाम फरमा रहे हैं कि रिवायत ज़ईफ़ है। नंबर एक मफहूम है, जो आदमी अजान पढ़े इकामत कहने का हकदार भी वही है। क्या रिवायत जिक्र फरमाई कि जो आदमी अजान पढ़े, कि जिस किसी ने अजान दी तो अब इकामत कहने का हक किसको है,
उसी को है जिसने अजान पढ़ी है। हाँ, अगर वो अपना हक किसी और को दे देता है, उसको सुपुर्द कर देता है कि भाई तुम जो है अब इकामत पढ़ो, तो कोई हरज की बात नहीं है। और ऐसा होता भी है हमारी मस्जिद में भी कि अजान कोई और पढ़ता है, इकामत कोई और देता है कि उसने इजाजत दे दी है कि भाई आप इकामत जो है वो पढ़ लो। तो ये रिवायत कैसी है? ज़ईफ। ये रिवायत ज़ईफ है, खुद इमाम तिर्मिजी फरमा रहे हैं कि ये रिवायत क्या है, ये ज़ईफ। अच्छा, अगर किसी ने इकामत पढ़ दी तो कोई गुनाह का काम नहीं किया उसने? अजान किसी और ने पढ़ी थी, इकामत किसी और ने पढ़ी, तो अब किताब में लिखा है कि मकरूह है, तो ये मकरूह तहरीमी नहीं है, मकरूह तंजीही है। मकरूह तंजीही का मतलब ये होता है कि नापसंद है, अच्छा नहीं है। क्यों? कि इसमें फिर झगड़ा भी हो सकता है ना, कि वो कहेगा अजान मैंने पढ़ी, मेरे पूछे बगैर तूने इकामत क्यों कह दी, तो माहौल खामखा जो है उसमें इंतिशार होगा। इसलिए तो बहरहाल अगर कभी मुअज्जिन जिसने अजान पढ़ी है नजर ना आए, कोई हमारा नमाजी भाई इकामत कहना शुरू कर दे, भाई उसे टोको मत, उसे रोको मत, उसने देखा, हाँ हम उनसे भी कहेंगे कि ये सिलसिला शुरू नहीं करना है, जो अजान पढ़े उसी को इकामत देना है, और अगर उसने इजाजत दी है तो दूसरा पढ़ दे। लेकिन कभी क्या होता है कि वो नजर ही नहीं आता कि भाई अजान किसने लिए, कि टॉयलेट में चला गया, वजू करने चला गया, कुछ काम से इधर उधर, और वक्त जो है वो हो रहा है, और अब किसी ने इकामत जो है वो पढ़ना शुरू कर दी, तो पीछे से आके उसे रोको और टोको मत के भाई तूने मेरी इजाजत के बगैर जो है वो क्यों इकामत पढ़ दी। तो ये रिवायत ज़ईफ है। अब अजान और इकामत में हमारे यहां इफरात और तफरीक है, बात निकली है तो जरा सुनते चलो। बाज लोग अजान पढ़ते हैं तो कलीमात को खींचते ही नहीं है, और बाज अजान पढ़ते हैं तो इतना खींचते हैं कि जब तक सांस टूट नहीं जाता, इतना जो है लंबा उसको खींचेंगे। खींचने को अरबी में क्या कहते हैं? मद। क्या कहते हैं? मद। मद की एक किस्म है मद्दे असली। फलाह दारेन तरकेसर के अंदर बड़े कारी है, कारी सिद्दीक साहिब सांसरोदी दामद बरकातुहुमुल आलिया, हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेवी रहमतुल्लाह अलैह कहीं निकाह पढ़ा कर दोपहर में आ रहे थे। छुट्टी के बाद निकाह पढ़ाने गए मदरसे के बाद, और निकाह पढ़ा के आए तो गांव में तो आप जानते हैं कि कुछ चीजें वो चल फिर कर घूम फिर कर बेचने वाले भी फेरिया जीने के तो हो, तो एक आदमी मद बेच रहा था। अब आज चूंकि हर चीज में मिलावट है इसलिए आदमी को पूछना पड़ता है, गला प्योर तो है हैं? ये भाई ये असली तो है ना, ये पूछना ही पड़ता है आजकल। एक साहिब फरमाते थे कि पहले लोग दूध में पानी मिलाते थे, अब तो पानी में दूध मिलाते, ये जमाना आ गया। तो बहरहाल कारी साहिब के घर के पास वो मद बेचने वाला खड़ा था, और कारी सिद्दीक साहब की जुबान से निकला कि भाई तू मद जो बेच रहा है तो मद असली तो है ना, ये पूछा गुजराती में कि भाई मद असली है ना तुझे बेचे थे। तो हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुल्हेवी रहमतुल्लाह अलैह का उसी वक्त गुजर हुआ, हजरत के कान में आवाज पड़ी तो फरमाया कि हजरत कारी साहब मद्दे असली की पहचान आपको नहीं होगी तो किसको होगी? तो समझ आया कि नहीं? तो वो कारी साहब है, और मद की एक किस्म क्या है? मद्दे असली है। तो गोया हजरत ने जो है वो बिल्कुल बात में से बात पैदा कर दी कि भाई मद्दे असली को बड़ा कारी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। तो सुनो, ये जो खींचना है इसको मद कहते हैं। कुरान करीम के अंदर तो जिस हुरूफ को जितना खींचना है वो मुतायन है, अजान के अंदर हम कुछ खींच सकते हैं ज्यादा कुरान के मुकाबले में, लेकिन मनमानी नहीं कि जिसकी जितनी सांस जितनी लंबी उतनी अजान उतनी लंबी, के सांस पे सारा डिपेंड है कि जितना खींच सकता है वो उसको खींचता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ मामला उल्टा है कि आपड़ू ने भी तेज अजान देवा और हल्ला के जे वो खींचे, भाई गलत कह रहा हूं तो आप बोल देना है। आमतौर पर मिजाज क्या है? यही है ना कि भाई इसने जो है वो इतना जो है वो खींचा। हालांकि फुकाहा ने सब बातें लिखी है, देखिए दीन का कोई मसला अधूरा नहीं छोड़ा। फरमाया कि ये जो मद है मिनिमम कितना खींच सकते हैं? एक अलीफ, मैक्सिमम पांच अलीफ। अब पांच अलीफ आप जानते हैं कितनी देर होगी, जो हुफाज हैं वो जानते हैं कि भाई कितनी देर होती है पांच अलीफ खींचने में।
अच्छा एक लफ्ज आया आता है अजान में, लफ्ज अल्लाह जो अल्लाह ताला का इसमें जात है, रियल नेम है, तो उसमें उलमा ने इजाजत दी है। और कारी फता मोहम्मद साहिब रहमतुल्लाही अलैह ने जो है एक नए मद की किस्म लिखी कि एक मद का नाम है मद्दे ताजीमी। उन्होंने एक मद का नाम बढ़ाया कि एक मद का नाम है मद्दे ताजीमी के लफ्ज अल्लाह उसकी ताजीम करना है, उसको खींचना है। तो फरमाया कि अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी कायदे के एतबार से अल्लाह के लफ्ज को एक ही सेकंड खींचना है, एक ही अलीफ जो है वो खींचना है। लेकिन अल्लाह अल्लाह का रियल नेम है तो उसकी अजमत का तकाजा यह है, उसकी अदब और उसके अदब का तकाजा यह है कि इसे खींचो, इसे ज्यादा खींचो। कितना खींचो? फरमाया कि पांच अलीफ। और हजरत उससे आगे कुछ बढ़े कि चले लफ्ज अल्लाह है तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लफ्ज अल्लाह को सात अलीफ तक खींच सकते हैं। मैं आपको बताता हूं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हालांकि अरबी जी, अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो वो अल्लाह अरबी ग्रामर के एतबार से तो इतना होना चाहिए था। अल्लाह देखिए इकामत में हम क्या करें, अल्लाहु अकबर एक अलीफ हो गए, लेकिन अजान के अंदर लोगों को बुलाना है, ये मद्दे ताजीमी है, अल्लाह ताला का रियल नेम है। फरमाया खींचो उसको, अल्लाह के लफ्ज को कहां तक खींचना है? पांच अलीफ और ज्यादा से ज्यादा सात अलीफ। लेकिन हम लोग अखीर में ज्यादा खींचते हैं, कैसे? हैया लस्सला, સ્ટેનફોર્ડ હિલ્ટી મસ્જિદે કુબાથી જે છે તે ગિનીસી પહોંચી ગયો હે, એટલું લાંબુ તો તે ખેંચી ગયો, અરે રુકતા હી નહીં વો, જહાં તક ઉસકી આવાજ જો હે વો જાયેગી ઉતના જો હે વો ખીંચતા રહેગા। સબસે ઝ્યાદા જિસકો અઝાન કે કલીમાત મે ખીંચના હે વો લફ્ઝે અલ્લાહ હે, ઉસે પાંચ કલીમા પાંચ અલીફ યા સાત અલીફ, ઓર યે જો ખીંચના હે વો ઉસસે કમ હે, તો ભાઈ ઝ્યાદા સે ઝ્યાદા પાંચ અલીફ ખીંચો અખીર મે। हजरत मौलाना अबरार वक्त साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह तो बड़े मुतशद्दिद थे इस मामले में, हरदोई वो तो बड़े सख्त थे, लेकिन उलमा ने उनकी राय को कबूल नहीं किया कि हजरत का अपना मिजाज था और तशद्दुद था तबीयत में, लेकिन हमारे अकाबिर ने उसको कबूल नहीं किया। लेकिन अकाबिर ने इसकी भी इजाजत नहीं दी जो हमारे यहाँ अजान पढ़ी जाए कि वो खींचता ही रहता है उसको जब तक जो है वो ये नहीं होती। एक अली जो है वो आप जानते हैं कि ये मुट्ठी मैंने बंद की, खोली, ये हो गया, तो पांच मरतब आप मुट्ठी को खोल बंद करो, ये जो है पांच अलीफ की मिकदार वो हो गई। और आप कभी अजान पढ़ता हो, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप देख लेना, तो आप जरा देखे वो कि वो कितना खींच रहा है। तो इसलिए भाई अजान पढ़ना है तो सीखो उसको कि अजान में जो है वो खींचना कितना है। हाँ लफ्ज अल्लाह को आप पांच सात अलीफ तक खींचो, लेकिन जो दूसरे हैं उसको इतना नहीं खींचना है। और अजान ठहर ठहर के कहना है, और बिल्कुल भी ना खींचे जो हजरत मौलाना अबरार उल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह, इसको भी पसंद नहीं किया। वैसी अजान हमारे यहाँ अब्दुल समद चचा जब्बार पढ़ते हैं, वो मौलाना अबरार उल हक साहब हरदोई की होती है। मैं कहता रहता हूँ कि मरे मगरेब पढ़ाती हो पढ़ावानी हो, हूँ टॉयलेट में निकलू ने अब्दुल समद चचा अजान दिए तो आपड़े वुजू एटलू फर्स्ट करव पड़े जेटली राजधानी फर्स्ट जाए है, नहीं तो मुसल्ला हुजी अब्दुल समद चचा आपने नहीं पहुंचवा दे। तो बहरहाल वो इस तरीके से, और वो कहते भी हैं मुझे कि मुझे सिखाई थी किसने, मौलाना अबरार उल हक साहब हरदोई ने उनको सिखाया था, तो हमने उनको मना भी नहीं किया, हमारे बड़े ने सिखाया है, हमारे अकाबिर ने, हमने कहा तुम देते रहो, तुमको जो सिखाया है ठीक है, तुम उसके ऊपर अमल करते हो, लेकिन हम दोनों बात बताएंगे है कि जी उन्होंने सिखाया था, हाँ उन्होंने ही सिखाया था, उन्होंने बताया था हमने, तो हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इतना ज्यादा जो है वो खींचना, चलो उन्होंने तो एक अलीफ या दो तीन अलीफ वो तो ठीक है ना कि वो कम में बात बन जाएगी, लेकिन ज्यादा तो कोई मद है ही नहीं, तो कम में तो बात बनती है ज्यादा में नहीं बनती।
फारूक भाई आपने ऐलान किया था मुख्तसर बयान, तो ज्यादा देर वाला बयान चलेगा? हाँ चल तो अच्छा है, वरना आपने कह दिया था मुख्तसर बयान। तो खैर ये अजान इकामत का जल्दी सुन लो। इकामत के अंदर ये होता है, इकामत के सारे कलीमात सिवाय तीन कलीमे के एक सांस में कहने। अजान और इकामत में फर्क होना चाहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान के अंदर शुरू में कितनी मरतबा है? चार मरतबा है कलमे, दो सांस में हम कहते हैं, दो सांस में। लेकिन अजान और इकामत में फर्क यह है कि इकामत के अंदर एक ही सांस में पढ़ना है, समझ आया? अखीर में जो तीन जुमले हैं उसको एक एक सांस में पढ़ना है, उसको अलग अलग सांस में पढ़ना है, बाकी दो दो मरतबा भी एक सांस में पढ़ना है। लेकिन आम तौर पर इसमें भी आदमी की जो समझ आता है वैसे इकामत पढ़ता है। इकामत में क्या गलती होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक गलती ये करते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रुक जाते हैं, फिर पढ़ते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, खिलाफ सुन्नत है, सुन्नत के खिलाफ है। हुजूर के जमाने से आज तक इसी तरह होता चला आ रहा है। तो इसलिए इकामत कहो चार कलीमात एक सांस में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चारों कलीमे एक सांस में। दूसरी बात, रा के ऊपर जज़्म पढ़ना, रा पर जज़्म पढ़ेंगे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अच्छा, सब में जज़्म पढ़ना है। तिर्मिज़ी में रिवायत है कि अल अज़ानु जज़्मुन, है ना, वल इक़ामतु जज़्मुन। तो अजान में भी जज़्म, जहां वो कलीमा जो पूरा होता है तो उस पर ज़बन नहीं पढ़ना है, ज़ेन नहीं पढ़ना है, चाहे अरबी ग्रामर और अरबी कायदे के एतबार से सही हो। मैं मिसाल देता हूं, ये गलती उलमा करते हैं, अवाम से ज्यादा उलमा करते हैं। क्यों? उन्होंने ये लिहाज किया कि अरबी ग्रामर का ख्याल रखा और इसका ख्याल नहीं रखा कि हुजूर की सुन्नत क्या है। तो भाई जहां हुजूर की सुन्नत है वहां अरबी ग्रामर को बालाए ताक रखेंगे, है ना, जहां हुजूर ने फरमा दिया बालाए ताक रखना है। देखिए तावीज, कौन सा तावीज नहीं करा सकते कि जो कलीमात लिखे गए हैं उसका माना मालूम न हो, तो ऐसा तावीज करना जायज नहीं है। लेकिन एक तावीज हदीस में आया कि जिसका माना हमें मालूम नहीं है लेकिन हुजूर ने जिक्र फरमाया, तो इसलिए उलमा कहते हैं कि अब माना नहीं मालूम लेकिन ये तावीज लिख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। क्यों? हुजूर ने फरमाया, तो अब ये नहीं देखेंगे इसका क्या माना है क्या नहीं माना है। लेकिन दूसरे लिख कर देते हैं तो माना देखना पड़ेगा कि शिर्क का माना तो नहीं है उसके अंदर। तो यहां भी अरबी ग्रामर हुजूर की सुन्नत है तो सुन्नत को पकड़ेंगे, अरबी ग्रामर अरबी कायदे को छोड़ देंगे। वो उलमा इकामत में गलती करते हैं, क्या करते हैं, हय्याल अस्सलाति हय्याल अस्सला, हय्याल अल्फलाहि हय्याल अल्फला, कद कामति सलातु कद कामति सला, सुना होगा आपने कभी। ये तीनों कलीमे गलत कहे, खिलाफ सुन्नत, गलत का माना। अरबी ग्रामर के एतबार से सही कहे, हय्याल सलाति हय्याल सला अरबी कायदे के एतबार से सही है, हय्याल अल्फलाही हय्याल अल्फला अरबी ग्रामर के एतबार से सही है, कद कामति सलातु कद कामति सला अरबी ग्रामर के एतबार से सही है लेकिन खिलाफ सुन्नत, और हमें सुन्नत पे अमल करना है। तो इकामत में जल्दी जल्दी पढ़ता हूं, इसी तरह पढ़े, कोई और दूसरी तरह पढ़े तो मोहब्बत से समझाए, तन्हाई में समझाए, उसे प्यार मोहब्बत से बताए कि भाई इस तरह पढ़ना है। तो इकामत सुन लो कैसे पढ़नी है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, चारों कलीमे एक सांस में, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही सांस में दोनों, अशहद अन मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहद अन मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक ही सांस। इसमें भी बाज अवाम गलती करते हैं। हमें बचपन में कलीमा क्या सिखाया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दाल पे क्या पढ़ा हमने, पेश, कितने पेश पढ़े, दो पेश, है ना, जिसको तनवीन बोलते हैं। तो बाज लोग अजान, बेचारे आदत नहीं होती है प्रैक्टिस, और कभी कोई अजान पढ़ने वाला ना हो और अजान देने की बारी आ जाए, ऐसा इमाम के साथ भी होता है, हैं? मैं हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब फलनपुरी रहमतुल्लाह अलैह से कई मरतबा दरख्वास्त की कि हजरत नमाज पढ़ाए, तो मुझे हंसते हुए कभी फरमाते थे तुझे काय को रखा। तो
कभी तो इल्जामी जवाब है कि तुझे काय को रखा है इनके, तू पढ़ा इनके। और फिर फरमाते थे कि भाई मैं नमाज कभी नहीं पढ़ा, मैं इसका आदि नहीं हूं, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। डाबेल में, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े मुफ्ती साहब, फजर में इमाम साहिब नहीं पहुंच सके। अब मुफ्ती साहब पहली सफ में थे, भाई टाइम हो गया, एक दो मिनट देखे इमाम साहब आए नहीं, तो मुफ्ती साहब को कहा कि अजा नमाज पढ़ाओ। अब उनके पांव कांप रहे हैं, दूज रहे, मुफ्ती साहब है लेकिन नमाज पढ़ाई नहीं है। हालांकि वो 16 साल का 17 साल का भी तरावी पढ़ाएगा, फटाफट पढ़ेगा, उसको प्रैक्टिस है। और ये मुफ्ती साहब भी उम्र रसीद है, बड़े मुफ्ती, तो उन्होंने नमाज अब क्या करते, पढ़ाना पड़ा, कोई था नहीं। पहली रकत में कुल औज़ु रब्बिल फलक और दूसरी रकत में कुल औज़ु रब्बिन नास है। मैं क्या मुफ्ती साहब जो इमामत करावा मांगते तो हमने जागते कि आ हराम हारी नमाज है, हैं फटाफट फजर में उंबी बो आपती हो यार लाबू खेचा करे बोध वगैरह काम है, देखे फटाफट घेर एम के चट मंगनी ने पट बिया ते प्रमाण एम के क्या काम थे जाए। अल्लाह अकबर, हुजूर की सीरत आप पढ़े हैं, हर हमारे लिए दर खुला है, राह खुली है। हुजूर ने सफर में एक मरतबा नमाज फजर जो है वो पढ़ी है, तो इस तरह के पहली रकत में कुल औज़ु रब्बिल फलक और दूसरी में कुल औज़ु रब्बिन नास, तो इल्म यहाँ काम आ जाता है। अगर मुफ्ती साहब को कोई कहता वो तो कांप रहे थे बेचारे, इसलिए छोटी सूरत पढ़ी, लेकिन वो कह देते कि भाई हुजूर ने भी इस तरीके से फजर में, नमाज फजर की बात कर रहा हूँ, हुजूर ने पहली रकत में कौन सी सूरत है कुल औज़ु रब्बिल फलक को पढ़ी गई और दूसरी रकत में कुल औज़ु रब्बिन नास को जो है वो पढ़ा गया। बहरहाल तो मैं आपको कह रहा था अशहदु अन्ना अजान में और इकामत में अशहदु अन्ना मुहम्मदर, दाल पे क्या आएगा, जबर आएगा, दो जबर जिसको तनवीन बोलते हैं, पेश नहीं पढ़ने का, वो कलीमे में पेश है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहां जबर है। अच्छा आगे चलो, हय्यालस्सलाह एक ही सांस में, हय्यालल्फलाह एक ही सांस में। अब बाद के जो कलीमे हैं कद कामतिस सलाह, दो सांस में कद कामतिस सलाह कंप्लीट सांस छोड़ दो, फिर नए सांस में कद कामतिस सलाह। असल में ये मुतनब्बे करने के लिए हैं कि अगर अभी तक कोई नमाज जमात के लिए खड़ा नहीं है तो क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। यहां भी गलत मसला लोगों ने समझा, ये तो उस वक्त था कि कोई किसी वजह से अब तक इकामत सुन के खड़ा नहीं हुआ था, अब खड़ा हो जाए। समझने वालों ने उल्टा समझा कि मुकब्बिर कहता रहे इकामत पढ़ने वाला, जब कदकामत सलाह कहेंगे तब खड़े होंगे। अरे भाई तूने उल्टा समझा, खड़ा पहले से होना है, अब तक नहीं हुआ तो कदकामत सलाह पे हो जा। क्यों, वो क्या कह रहा है कि नमाज क्या हो गई है, खड़ी हो गई है ना, हाँ तो वो ये कह रहा है, तो अब जो है तो उसको भी उल्टा समझा यारों ने। तो बहरहाल ये दो सांस में, फिर है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यहां भी रुकना है। बाज लोग दोनों जुमलों को मिला के कहते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, गलत है। अल्लाहु अकबर यहां सांस क्या करना है, तोड़ देना है, और ला इलाहा इल्लल्लाह, चले वक्त बहुत हो गया है, तीन मिसालें देनी थी, एक ही पर आप रखे। आज की रात अमल क्या करना है, लोग पूछते हैं कि 15वीं शाबान में क्या अमल करें। पहले एक जहन साफ कर लो, इस रात में जो भी अमल करेंगे हम नेक, वो मुस्तहब है। मुस्तहब का मतलब ये कि अगर हमारे घर में कोई दूसरा अगर कुछ नहीं करता रात को, जाके अभी सो जाएगा, तो उस पर लानत मलामत नहीं करनी। क्यों, ये न फर्ज है न वाजिब है और न सुन्नत है, बल्कि क्या है, मुस्तहब है। इसलिए कोई करे तो वारे नहीं आ रहे हैं, और अगर कोई नहीं करता तो जुबान पे क्या देना है, जिप मानना है, हाँ उसको लानत मलामत नहीं करनी, और न जुबान से न इशारे से। बाज लोग मुंह से नहीं बोलते हैं, लेकिन देख हैं, हाँ ते बोले नहीं, भाई इशारा में बच्चू कह दी तू कि हर चोर एम के वरह में एक रात आगे खाली एम के नालायक तो भी खुल जाएंगे, है नहीं जरा इनके बेही रही है ना, आ रात में भी ना, ये गलत है। उसकी मर्जी, शरीयत उसको मजबूर नहीं करती। कोई करे ठीक है, न करे ठीक है, नंबर एक। नंबर दो,
जो भी अमल करना है, चूंकि ये नफल है, मुस्तहब है, इसलिए अकेले करना है, इज्तिमाई अमल नहीं होगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, उलमा ने यहां तक लिखा कि कल अगर कोई रोजा रखना चाहता है तो मस्जिद में इज्तिमाई न सहरी होगी और मस्जिद में न इज्तिमाई इफ्तारी होगी। सुनना ये बात, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अगर रोजा किसी ने नफल रखा इसका, तो एहतमाम हम नहीं करेंगे कि मस्जिद वाले एहतमाम करें या कोई और के खुंचा रख दिया, पानी जो है वो रख दिया और इज्तिमाई तौर पर जो है वो समोसे भजिए पकौड़े जो है वो सब आ गए, हैं, ये नहीं होगा। और इज्तिमाई सहरी भी नहीं। हाँ, कभी इत्तिफाक हो गया कि भाई वो भी घर से खजूर पानी लाया है, रोजेदार है, वो भी लाया इत्तिफाकी तौर पर, तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन स्पेशल इज्तिमा वो नहीं होगा, न खाने पीने में न इबादत में। अरे भाई, जब खाने पीने में नहीं तो इबादत में कैसे इज्तिमा होगा? तो इस रात में जो भी अमल करना है कैसे करना है? इनफिरादी तौर पर जो है वो करना है। दूसरी बात उलमा ने लिखी, अब तो हम मस्जिद में बैठे हुए ही है, तो अगर अब कोई आदमी सोचता है कि घर जाके मैं दो चार रकात पढ़ सकूं ना पढ़ सकूं, अब है ही मस्जिद में बैठे हुए, पढ़कर दो चार मिनट जाए कोई बात नहीं, दो चार रकात समझ आए कि नहीं? लेकिन इसकी वजह से मस्जिद वाले हैरान करे कि नहीं जीने पढ़ुए तो अर्धो कल्लाक कल्लाक दिए, नहीं, हाँ ठीक है, कोई ने जो है वो पढ़ लिया, बैठे हुए हैं दो चार रकात पढ़ के निकल जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन ये इज्तिमाई अमल जो है वो नहीं होगा, ये इनफिरादी अमल जो है वो करना। दूसरा, सारी रात भी जागना जरूरी नहीं है, आप कुछ हिस्सा जितना हमारे तबीयत में बशासत हो, खुशी खुशी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा दो घंटे जो भी आदमी करना है तो वो जो है वो करे। अब लोग पूछते हैं कि करे तो अमल कौन सा करे? देखिए, कोई अमल शरीयत ने मुतायन नहीं किया है, शॉर्टकट में समझ लो, कोई मुतायन नहीं है। मेरे ऊपर भी आज व्हाट्सएप के जरिए आया कि दो रकात पढ़ने की 15वीं शाबान में ये सूरत पढ़ने की इतनी मरतबा, चार में ये पढ़ने की, छह में ये पढ़ने की, आठ में ये पढ़ने की, कुछ नहीं पढ़ने की, ये कुछ हुजूर ने बयान जो है वो नहीं किया, वो छोड़ा है आदमी के ऊपर कि जो पढ़ना चाहे, जो जो है वो करना चाहे वो करे, कोई सूरत भी पढ़ना मुतायन नहीं है। तो एक तो आपको जो करना है करे, लेकिन मैं आपको तीन काम बताऊंगा करने के। नंबर एक, के जो सही हदीस में है कि जुमा के दिन मफहूम ये है कि हुजूर पर कसरत से क्या करो, दुरूद पाक का नजराना भेजो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज की शब कौन सी है? शबे जुमा है, तो माशाल्लाह 15वीं शाबान की मुबारक शब तो है ही, लेकिन साथ में सोने पे सुहागा और नूरुन अला नूर के जुमा की शब भी है। तो भाई आज ये कर लो कि ये तो हदीस में खुद हुजूर ने, और इसके फजाइल से आप वाकिफ है, मिनिमम कितनी मरतबा पढ़ना है दुरूद शरीफ? तो 100 मरतबा, और मैक्सिमम कुरान ने फरमाया एक जगह पर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िकरुल्लाहि ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, के ईमान वालों जिक्र कसीर करो। तो जिक्र कसीर किसे कहेंगे? तो बू हनीफा वक्त बानी दावलुम देवबंद हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नवर अल्लाह मुरकदहू ने लिखा कि कोई आदमी 300 मरतबा जिक्र करेगा तो गोया उसने जिक्र कसीर किया। इसीलिए अकाबी जो तस्बीहात बताते तो कितनी बताते? तीन बताते हैं ना, कि तीन तस्बीहात, यही राज है कि तीन तस्बीहात जो तसव्वुफ में हाथ में हाथ देते हैं तो उनको, और दावत तबलीग में भी बताया जाता है ना सादुल्ला सर, तीन तस्बीहात, तो ये तीन तस्बीहात, इसीलिए तीन तस्बी यानी 100-100, तो तीन कितनी हुई? 300 हुई, तो ये जिक्र कसीर हो गए, कुरान की आयत पे अमल हो गए। तो भाई दुरूद शरीफ आज कम से कम 100 मरतबा पढ़ो और ज्यादा से ज्यादा 300 मरतबा पढ़ो। अब आप पूछेंगे कि कौन सा दुरूद पढ़े? तो सबसे अफजल दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज में आम तौर पे पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ये पढ़ो अगर वक्त ज्यादा है। अगर वक्त कम है, सुस्ती है तबीयत में, तो सबसे मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक ये करो। नंबर दो, हदीस में है, मफहूम ये है कि अल्लाह ताला मगरिब के बाद से ही आज आसमान दुनिया पर नुजूल फरमाते हैं और ये आवाज लगाते हैं कि है कोई मगफिरत का तालीम तलबगार कि मैं उसकी क्या कर दूं, मगफिरत।
तो भाई हमें गुनाहों से तोबा करना है। सब गुनहगार हैं। कौन कह रहा है? हुजूर फरमा रहे के कुल्लुकुम बनी आदमा खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन। हाँ, तो ये हुजूर फरमा रहे कि तुम सारे के सारे क्या हो? गुनहगार हो। और इसी बात को, इसी का तर्जमा किया है फरीदुद्दीन अत्तार ने कि वो कहते हैं कि पादशाह जुर्म मारा दर गुजार, माँ गुनहगारे व तू आमोजगार, तू निको कारी व माबद कर दैम, जुर्म बे अंदाजा व बेहद कर दैम। क्या फरमाया कि ए बादशाह यानी ए अल्लाह, हम तो गुनहगार हैं लेकिन तू क्या है? बख्शने वाला है। और हमने तो बे अंदाजा बेशुमार कि हमें पता ही नहीं हमने कितने गुनाह किए, लेकिन तू तो क्या है? माफ करने वाला है। और सादी ने कितनी अच्छी बात कही कि भाई इससे पहले एक बात सुन कि एक बुजुर्ग अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, फरियाद का माना दुआ कर रहे थे, तो आवाज आई कि कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। तो उस दिन कोई मुरीद भी पीछे होगा तो उसने भी सुन लिया कि शेख इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ऊपर से आवाज आ रही है कि कबूल नहीं है, कबूल नहीं है। तो वो मुरीद ने कहा कि हजरत आवाज तो ये आ रही है कि कबूल नहीं है, फिर आप क्यों कर रहे हैं? छोड़ दो कि भाई ऊपर से आवाज ये पहुंच कह रही है कि तुम्हारी निदा कबूल नहीं है। तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया, फरमाया कि कैसे छोड़ दूं, क्या उसके अलावा दूसरा कोई दर है कि जहां जाऊं? है कोई और तो दर है नहीं। तो इसीलिए ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब ने कहा है, वो खोले दर या न खोले, क्यों हो तेरी उस पे नजर, तू अपना काम कर, यानी सदा लगाए जा। हैं, हमारा काम क्या है? सदा लगाना है। तो बुजुर्ग ने उससे कहा, मुरीद से शेख ने, ये तूने भी आज सुन लिया, ये आवाज तो मैं बरसों से सुन रहा, आज तूने भी सुन लिया, अब तू ही बता इसके अलावा मैं कहां जाऊं। तो अल्लाह को आजीजी बहुत पसंद है। फौरन आवाज आई के गरचे हुनर नेस वलेकिन कबूलस्त, हैं के हुनर तो नहीं है लेकिन हम कबूल करते हैं, तेरी आजीजी पे हम फिदा है, तो कहां जाएंगे? सादी ने इसी को कहा कि नदारे गैरज तू फरियाद रस, तू ही आसियारा खता बख्शो बस, कि तेरे अलावा कोई दर नहीं है, हम कहां जाए, तेरा ही दरवाजा हम खिटखिटाएंगे, तेरे अलावा कौन माफ करने वाला? तो भाई ये न सोचे नफ्स, हमें ये पट्टी ना पड़ा कि तू कहां गुनेगार, तू तो पांच वक्त का नमाज ये उमरा करता है, हज करता है, रोजे रखता है, जकात देता है, सदका देता है, नफ्स ये पट्टी ना पड़ा। एक बुजुर्ग ने कहा कि कोई गुनाह अगर हमारे अंदर न हो तो हमारा वजूद खुद गुनाह है, क्योंकि हम पेट में क्या लिए फिर रहे, नजासत, पेट में नजासत गंदगी है, कपड़े को लग जाए कपड़ा साफ करना पड़ेगा, बदन को लग जाए बदन साफ करना पड़ेगा। फरमाया कि तेरी असल जिससे चलती है नस्ल, के मनी का नापाक कतरा है, कि तेरी माँ और बाप को लग जाए या निकल जाए तो उनके गुसल फर्ज हो जाता है। तो फरमाया कि हमारा वजूद ही जो है वो गुनाह है, तो फिर हम किस जुबान से किस मुंह से कहे कि हमने कौन से। इसलिए भाई तोबा, अल्लाह ताला आवाज लगा रहा है तो तोबा करो इस रात में। और हजरत थानवी ने फरमाया तोबा का अहसन तरीका, बेहतर तरीका, जरूरी नहीं ये है कि दो रकत क्या पढ़ो, सलातु तोबा पढ़ लो मुख्तसर, और उसके बाद जो है वो दुआ करो। क्यों? हजरत ने फरमाया तीन बातें जिक्र फरमाई कि इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात। कुरान कह रहा है कि भाई नेकियां गुनाहों को खा जाती है, मिटा देती है। तो हमने नमाज पढ़ी है तो छोटे गुनाह तो वैसे ही माफ हो गए। दूसरा कि नमाज के बाद तोबा करेंगे तो दिल पहले से अल्लाह से नमाज के जरिए क्या हुआ है, जुड़ गया है। और अल्लाह ताला कौन से दिल की दुआ सुनते हैं? जो खालिस मुतवज्जे हो, वरना कल्बे गाफिल की निदा अल्लाह
कबूल नहीं करता, वो सुनता नहीं है। तीसरा हजरत ने फरमाया कि भाई आदमी काम करता है मजदूर, तो काम पूरा होने पर उसे क्या दे दी जाती है? मजदूरी। तो गोया के दो रकत हमने नमाज पढ़ी, गोया के समझने के लिए, तो हमने मजदूरी की, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करके हमें रिटर्न दे दे हैं? हमारा जो हक है वो मजदूरी जो है वो अल्लाह ताला देगा। तो एक ये करो, एक दुरुस्त शरीफ पढ़ो, दूसरा ये काम करो, तीसरा काम ये करना है कि दुआ करनी है अल्लाह ताला से। ये तो तौबा हुई ना, दुआ तो हम अपनी जरूरत भी मांगेंगे, इस मुल्क की जरूरत भी मांगेंगे हैं, और सारे उम्मत के लिए, सारे आलम के लिए दुआ मांगेंगे। और एक दुआ भाई मांगो कि आलम में चैन सुकून पीस अमन हो जाए हैं? हाँ, तो वो जो है वो मांगना है। तो तमाम के लिए आदमी क्या करे, वो दुआ मांगे। तो ये तीन अमल आज अगर अल्लाह तौफीक दे जितनी देर, तो वो करो, तौबा करो, दुरूद पाक का नजराना भेजो, और दुआ जो है वो अल्लाह तबारक व ताला से करनी है। आज हमने दुआ मांगना जो है वो छोड़ दिया है, और दुआ को शरीयत ने इबादत का मगज कहा, तो अल्लाह हमें इसकी भी जो है तौफीक दे। अब आखिरी बात सुन लो, दो बात, कल का रोजा रखना है कि नहीं रखना? तो एक ही रिवायत आई है इब्ने माजा के अंदर कि जिसके अंदर रोजे का जिक्र है, इसलिए उलमा ने यह लिखा कि जो रिवायत ज़ईफ हो, उसूल लिखा है उलमा कि जो रिवायत ज़ईफ से बात चली थी, तो सुन लो, अच्छा हुआ फिर बात याद आ गई, जो रिवायत ज़ईफ हो उस पर अमल करना है तो तीन शर्तें कि वो देख लो वो रिवायत के अंदर, रिवायत में भी देखना है और उस अमल के वक्त भी ख्याल रखना है। नंबर एक कि वो जो ज़ईफ रिवायत है तो शदीद ज़ौफ ना हो। एक होती है रिवायत ज़ईफ और एक होती है इंतहाई दर्जे की ज़ईफ, है ना? एक आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कमजोर, लेकिन घर में चल लेता है, टॉयलेट तक आता जाता है, एक रूम से दूसरे रूम, और एक इंतहाई ज़ईफ के बिस्तर से उठा भी नहीं जाता। तो इसी तरह एक ज़ईफ रिवायत, एक इंतहाई दर्जे की ज़ईफ। इंतहाई दर्जे की ज़ईफ कब बन जाती है? जब रावी पे इल्जाम हो मौजू रिवायत गढ़ने का, कि जो अपने तौर से रिवायत बनाकर क्या करता हो, मार्केट में फैलाता हो, अब इसके अंदर जो रावी आया है, कूमु लैलहा वसूमु नहारहा, हजरत अली की रिवायत इब्ने माजा में, पूरी तफसील आपको देखनी हो तो हजरत मौलाना फजलुर रहमान आजमी साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया जो साउथ अफ्रीका में होते हैं, हमारे यहाँ भी तशरीफ लाए, डाबल जामिया में भी पढ़ा है, उनका एक रिसाला है इसके ऊपर, चंद रसाइल छपे हुए हैं जिसका नाम है मजमूए रसाइले आजमी, उसमें उन्होंने पूरी इस रिवायत की तफसील जिक्र की है कि रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, पूरा उन्होंने क्लियर कट बयान किया। तो चूंकि इसमें एक रावी आया है उस पर इल्जाम है रिवायत भरने का, और ये रिवायत इंतहाई दर्जे की ज़ईफ है, सिर्फ ज़ईफ नहीं, देखिए दो चीजों में फर्क करना, 15वीं शाबान के रात के फजाई उसमें वो रिवायत आई है लेकिन वो सिर्फ ज़ईफ है, और कई तुरुक से मरवी है, 10 सहाबाए किराम से मरवी है, और जब कई तुरुक से बयान की जाए, एक ही बात को ये भी बयान करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे, एक बात को एक ही आदमी बयान करे, एक बात को 10 बयान करे, किसकी बात में कुव्वत हुआ? 10 वाले की ना। तो यहां भी ऐसा है कि 15वीं शाबान, इसीलिए नासिरुद्दीन अल्बानी जैसा शख्स के मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो बड़ा सख्त जुमला उसके लिए फरमाते, मैं नहीं दोहराऊंगा, तो उसने भी इसको माना है अपनी किताब में कि 15वीं शाबान की रात में जो जो उसके फजाइल है वो साबित है, उस पर अमल किया जा सकता है। तो इसको जो चार फुकहा को नहीं मानते उन्होंने भी माना, इब्ने तैमिया ने भी माना है। तो इसलिए रात के फजाइल तो कई तुरुक से मर गए, लेकिन रोजा एक ही रिवायत में आया, तो इसलिए ज़ईफ रिवायत को अगर हम लेंगे तो तीन चीजों का ख्याल रखना है। नंबर एक, वो शदीद ज़ौफ ना हो उसमें, शदीद ज़ईफ ना हो, और ये रिवायत रोजे वाली शदीद ज़ईफ। नंबर दो, उसूल दीन के खिलाफ ना। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती को अल्लाह जजाए खैर दे, मैं सिर्फ इशारा कर लूँ, बाज लोग कहते हैं कि ये हदीस है, हालांकि वो हदीस नहीं है, मौजू है वो रिवायत, क्या कि वलदुज़ज़िना जन्नत में नहीं जाएगा,
कि जो लड़का जीना से पैदा हो बगैर निकाह का, लड़का हो या लड़की, तो ला यदखुलुल जन्ना, तो कुछ लोग रिवायत बयान करते हैं कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। भाई इसमें लड़के और लड़की का क्या कसूर? मर्द और औरत ने गलत काम किया, हमल ठहर गया, ये दुनिया में आया, तो बच्चे बच्चे का क्या कसूर? ये उसूल दीन के खिलाफ। कैसे? आठवां पारा, जहां आधा पारा आठवां खत्म होता है, उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तकसिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा। एक का बोझ दूसरे पे नहीं डाला जाएगा। जिसने अपने हाथ से जो कमाई की वो उसके लिए है। जिना किया माँ ने, बाप ने, औरत ने, मर्द ने, वो गुनहगार है, उसमें बच्चे का क्या कसूर? शरीयत तो यहां तक इजाजत देती है कि वलदु जिना हो, लड़का बड़ा कारी हो, बड़ा आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कुरान अच्छा पढ़ता हो, घर के जिना से पैदा हुआ है, वो मुसल्ले पे इमामत भी करा सकता है अगर उसे जिम्मेदारी सुपुर्द की जाए। इसमें इसका क्या कसूर? तो चूंकि ये रिवायत कही जाती है कि हुजूर का इरशाद है, लेकिन इसको मौजू कहां जलालुद्दीन सुयूती ने? क्यों? उलमा ने लिखा है कि ज़ईफ रिवायत उसी वक्त कबूल की जाएगी, नंबर एक शदीद ज़ौफ ना हो, नंबर दो उसूल दीन के खिलाफ ना हो जो मैंने बताया, नंबर तीन उस काम को सुन्नत समझकर ना किया जाए। ये मेरी बात नहीं है, उलमा ने लिखा है ज़ईफ रिवायत के सुन्नत समझकर नहीं। और ये रिवायत सिर्फ एक ही आई है, इंतहाई दर्जे की ज़ईफ है। इसलिए अगर आप रोजा रखना चाहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मफहूम है रमजानुल मुबारक के बाद अम्मी जान हजरत आयशा फरमाती है सबसे ज्यादा हुजूर नफली रोजे किस महीने में रखते थे? शाबान में। तो भाई कल आप रोजा रख लो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन सुन्नत की नीयत नहीं होनी चाहिए। समझ आया? और ये उसूल लिखा है, ये उसूल है कि तीन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा ज़ईफ रिवायत के अंदर। इसलिए भाई रखना है, आपकी आदत है, आप रखते चले आए हैं, रखना है रखो। हुजूर भी रखते थे ज्यादातर इस महीने में, लेकिन नीयत क्या हो? नफल हो। तो ये आखिरी बात, इस रात के अंदर अल्लाह ताला की रहमत मूसलाधार बरसती है बारिश की तरह, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी मगफिरत इस रात में नहीं होती, ये जरा मुश्किल पार्ट है। अब तक जरा इजी था, ये मुश्किल पार्ट। कल इंशाअल्लाह जुमा मुझे पढ़ाना है, तो इस पे कुछ कलाम करेंगे, खाली इशारा कर दूं किन की मगफिरत नहीं होती। नंबर एक मुशरिक, नंबर दो इजार टखनों से नीचे लटकाने वाला, टखने बराबर बोले या घुटने? हाँ, टखनों से मर्द जो है वो लटकाने वाला। अच्छा, इसमें क्या गलत फहमी है कि बाज लोग नमाज के लिए आएंगे तो यूं ऊपर कर लेंगे और फिर मस्जिद से बाहर कुछ लोग जाके, कुछ तो मस्जिद के अंदर ही सुन्नत जो है वो पढ़ ली, नफल पढ़ ली और इधर मेरी तरफ देखो, गोया की नेकी बद्दी है झड़की ली के पाशा मैं तो गुना तरफ चाहेगा है, कारण के नीचे एक कर है तो गुनो छे, इजा नीचे लटकाऊ तो ते के अल्लाह नेकी कही नहीं, तू तारा पहरा है कि भाई आ चाहे तो यहीं से वो झड़ देते हैं। नहीं, ये 24/7 है, ये अमल 24/7 है। हाँ, एक सूरत में नहीं है, बाज मरतबा जुब्बा हमने यहां तक पहना है, लेकिन रुकू में हम जाते हैं तो उस वक्त जुब्बा कहां चला जाता है? नीचे चला जाता है, और उसकी वजह से ये टखना क्या है वो ढक गया, छुप गया, तो गुनहगार नहीं है। क्यों? कि ये तो मजबूरी की वजह से वो गया। दूसरा, बाज लोगों की तबीयत होती है, उलमा ने यह भी लिखा, हजरत मौलाना हुसैन अहमद, देखिए लोग किसी को नहीं बख्शते, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी दर्स दे रहे थे दाउल हदीस में देवबंद में, एक आदमी ने चिट्ठी लिखी कि हजरत आप दर्स देते हो, बड़े शेखुल हदीस बने फिरते हो, मैंने देखा है आपके पाजामे को, आप जो पहनते हैं तो बाज मरतबा टखनों से नीचे होता है। अल्लाह अकबर है, लोग किसी को नहीं छोड़ते। हजरत ने जवाब दिया कि जी तुम सच कहते हो कि ऐसा होता होगा, लेकिन उसकी वजह है कि मेरा बदन क्या है, मोटा है, और उसकी वजह से मैं इजार या जो चीज पहनी है उसे ऊपर भी करता हूं लेकिन वो नीचे, और ये देखना आज भी होता है जो मोटे बदन के होते हैं, इसलिए किसी से बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। बाज मरतबा तबीयत है, कोई बुजुर्ग आया है बयान करने के लिए, तो आपकी तो आदत के पल्ला ऊपर से नीचे ही नहीं जो
હે કે બયાન બયાન પછી આપણે હંગમ પહેલા જોઈ કે ભાઈનો પહેરવેશ કેવો છે હે તો પહેલે જ હે વો ઇસ્કાનો જાતે તો અબ વો મોટા બદન હે તો કબ તક આદમી કરતા રહેગા હે હો જાતે અચ્છા હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક કે હાલાત મે ભી લિખા કે ઉનકા ભી વો મોટા બદન હો ગયા થા તો ઉસકી વજહ સે યે ચીઝ ક્યા હો જાતી નીચે વો ચલી જાતી તો ભાઈ વો કહેતે હે ના કે કિસી કે મુતાલિક ફૈસલા કરના હો તો 100 દલાઈ 100 બાતે ઝહન મે આ રહી હે 99 કૈસી હોની ચાહીએ પોઝિટિવ ઓર એક નેગેટિવ અબ તો પોઝિટિવ નેગેટિવ મે ભી મસલા હે કે પહેલે નેગેટિવ અલગ હોતા થા પોઝિટિવ અબ તો જો હે યે ક્યા કહેંગે ઉસકો કોવિડ કા ઓર ઉસકા તો પોઝિટિવ આવે તો પ્રોબ્લેમ હે પહેલે પોઝિટિવ નેગેટિવ અલગ હોતા થા અબ યે તો ભાઈ 99 દલાઈ ઝહન હમારે દે રહા હે ઉસકે બારે મે અચ્છે ગુમાન દો એક દરજે મે જો હે વો ઉસકે મુતાલિક યે કરના હે તો હઝરત ને ફરમાયા કે ભાઈ મેરા બદન મોટા હે મે કોશિશ કરતા હું કે ઉપર જો હે પહેનું લેકિન કપડા ક્યા હો જાતા वो नीचे जो है हो जाता है खैर तो दूसरे इसकी मगफिरत नहीं होती। तीसरे नंबर पे जानी जिना करने वाला अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए हैं हाँ और जानी का अजाब इतना सख्त है हुजूर ने फरमाया रिवायत में कि जो लोग जिना करते हैं जिनाकार है उनको जहन्नम में इतना सख्त अजाब दिया जाएगा उसकी वजह से ऐसी बदबू पैदा होगी कि जहन्नमी भी उससे पनाह मांगेंगे उस जानी से ऐसा जो है वो उसको अजाब दिया जाएगा। तो बहरहाल इससे भी जो है वो बचना है। चौथे नंबर पे शराब पीने वाला इसके अंदर ड्रग्स और ऐसी जो चीजें हैं वो सब आ गई उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं होती। पांचवें नंबर पर कातिल अब कातिल आदमी दो तरह बनता है एक डायरेक्ट शूट करता है और दूसरा इंडिया की जबान में टपोरी लैंग्वेज में सोपारी देता है। क्या देते हैं सोपारी जो है वो देते हैं हाँ तो अगर इस तरीके से भी हुआ उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं है। और उसके बाद है माँ बाप का नाफरमान के जो आज बहुत है अल्लाह ताला जो है सब औलाद को अपनी माँ बाप की क्या है कदर की तौफीक नसीब फरमाए तो माँ बाप का नाफरमान है वो दो रह गए रिश्ते नाते को तोड़ने वाला रिश्ता नाता तोड़ने वाला उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं होती। अब बयान लोग सुनते हैं हदीस सुनते हैं तो हर आदमी का दिल नरम होता है सोचते भी है कि गिरजना में माफी मांगू जिना दे बनतु नहीं मले पछी नफ्स समझावे कि यार तू ज केम पहल करे इना तरफ थी आवू छे हैं हाँ नफ्स ये समझाता है यहाँ आकर बात बिगड़ती एक नया चलन छोड़ो यार अब व्हाट्सअप पे चलते हैं कि मारे जात थी कोई ने भी तकलीफ पहुंचा ली हो तो माफ करजो एम के व्हाट्सअप पर चाल पोता ने लखवानी भी टॉपिक नहीं थे ऊपर फॉरवर्ड लखी ना है अच्छा दूसरी बात जिनसे मेरी नहीं बनती मैं उस पर मैसेज नहीं करूंगा जिनसे बनती है उसी पे करूंगा अरे भाई तेरी तो उससे लड़ाई नहीं और उसी पे जो है तू मैसेज भेज रहा है कि भाई यार आत्मा जी ने माफ करी दे तो माफी मांगो तो सिद्ध के दिल से जो है वो माफी जो है वो मांगनी। आखिरी चीज दिल में कीना रखने वाला उसकी भी इस रात में मगफिरत नहीं होती। अल्लाह ताला हम सब का सीना बेकीना जो है वो बनाए। अकबर की बात पर अपनी गुफ्तगू आज की ख़त्म करता हूँ। सबसे ज़्यादा मैं मोहताज हूँ जो कुछ कहा सुना गया सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए उसके बाद हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। एक बात और याद आ गई मुस्लिम शरीफ की रिवायत है घर जाके अगर कुछ नहीं कर सकते आज सो जाना एक अमल तो आपने और मैंने कर लिया कि ईशा जमात से पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह हम और ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जो मुसलमान ईशा नमाज बा जमात पढ़े और फजर आकर फिर मस्जिद में नमाज बा जमात पढ़े ईशा पढ़कर घर जाकर उसने कोई नेक काम नहीं किया सो गया बाद में फजर आके पढ़ी पूरी रात उसको इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। तो देखिए 50% काम हो गया तो अब फजर में फिर जो है वो आओ और कोशिश करो नमाज बा जमात की तो इस रात की 15वीं शाबान की फजीलत भी मुझे और आपको क्या हो जाएगी इंशाल्लाह मिल जाएगी और हासिल जो है वो हो जाएगी। अकबर ने कहा है ऊंचा नीयत का जीना रखना ऊंचा नीयत का जीना रखना अहबाब से साफ अपना सीना रखना अहबाब से साफ अपना सीना रखना। अगली बात बड़ी प्यारी है गुस्सा आना तो नेचुरल है अकबर गुस्सा आना तो गुस्सा आ जाता है तू तू मैमी हो जाती है लड़ाई हो जाती है साहबा में भी हुई है
है, हो जाती है, गुस्सा इंसान के अंदर आ जाता है, तू में हो जाती है, लेकिन मरते दम तक वो लेके नहीं घूमना। आपड़े तो गुस्सा में नफरत थाय तो बच्चू पैदा करे ने तीने पाड़े परवरिश करने मोटू करे ने आपड़ा हाथे जी ने कबर में दफन, ये गलत है। तो गुस्सा आना तो नेचुरल है अकबर, लेकिन है शदीद ऐब की ना रखना। अल्लाह ताला हम तमाम की इससे जो है वो हिफाजत फरमाए। मुख्तसर दुआ जो है वो कर ले कि अगर घर जाके करने कर नहीं सके तो अभी हो जाएगी, अगर आप कर ले। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ پوری زندگی ہمیں نیکیوں کے کام نیک کاموں سے محروم نہ فرما یا اللہ نیکی کے کاموں سے محبت نصیب فرما نیک لوگوں سے محبت نصیب فرما نیکی کی جگہوں سے یا اللہ محبت نصیب فرما یا اللہ ہمارے ایمان کی مرتے دم تک حفاظت فرما اسلامی اعمال پر یا اللہ ثابت قدم رہنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما یا اللہ ہر طرح کے شرور و فتن سے یا اللہ ہماری پورے پوری یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ظاہری فتنے سے بھی حفاظت فرما باطنی فتنے سے بھی یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں چین و سکون نصیب فرما یا اللہ آخرت کے اندر بھی ہمیں چین و سکون یا اللہ نصیب فرما یا اللہ ہم تمام کی اولاد کو نیک صالح بنا یا اللہ جن لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے ان میں آپس میں خوب محبت مؤدب نصیب فرما یا اللہ جن کے درمیان میں ناچا کی ہے یا اللہ ان کے درمیان میں محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ جوڑ تو نصیب فرما محبت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ جو بے نکاح گھر میں بیٹھے ہیں ماں باپ پریشان ہیں یا اللہ ان کے لیے جو مناسب جوڑا ہو یا اللہ تو انہیں یا اللہ نصیب فرما یا اللہ اس رات ایسی مبارک رات کے اندر آپ کے برگزیدہ بندوں نے جن جن نیک خواہشات کا اظہار کیا یا اللہ ہم بھی آپ سے کرتے ہیں ہمیں یا اللہ نصیب فرما جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں نصیب فرما یا اللہ ابھی ہم نے عشاء با جماعت پڑھی ہے یا اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ فجر با جماعت پڑھ لی پوری رات نفل عبادت کا ثواب ملے گا یا اللہ ہمیں یا اللہ یہ سعادت ہم تمام کو یا اللہ بعافیت یا اللہ مقدر فرما یا اللہ جو کچھ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال اگر کر سکیں محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اسے قبول فرما یا اللہ مبارک مہمان رمضان مبارک کی صورت میں آ رہا ہے یا اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ یا اللہ ہمیں ملنا نصیب فرما یا اللہ ہمیں رمضان مبارک یا اللہ نصیب فرما یا اللہ اس کی کما حق ہو یا اللہ قدر دانی کرنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادر عافیت کے ساتھ بچوں پر قائم فرما یا اللہ ان کو ان کی خدمت کرنے کی ان سے دعائیں لینے کی اللہ توفیق نصیب فرما یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں کوئی ایک جا چکا ہے ان کی قبر کو یا اللہ نور سے منور فرما یا اللہ ہماری اس بستی کے اندر کووڈ کے زمانے میں یا اللہ جو بھی موت کے منہ میں چلے گئے یا اللہ شہادت کا یا اللہ اخروی اعتبار سے انہوں نے مرتبہ پایا یا اللہ تمام کی بھرپور مغفرت فرما یا اللہ ان کے گھر والوں کو خوب حوصلہ اور ہمت یا اللہ نصیب فرما یا اللہ یہاں پر ہم جتنے بھی جمع ہیں تمام کی یا اللہ صحت میں عافیت میں ایمان کے ساتھ یا اللہ تو برکت نصیب فرما یا اللہ جو کچھ ہم نے مانگا وہ نصیب فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہو بغیر مانگے یا اللہ نصیب فرما یا اللہ جن لوگوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی یا اللہ ان اعمال کو یا اللہ ہمیں تر کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہم میں سے اگر کوئی اس میں مبتلا ہے یا اللہ اس کو جلد از جلد اس سے پیچھا چھڑانے کی توبہ کرنے کی اس سے دور رہنے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما اللہم انا نسلک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد مبارک و سلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا رب